बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमानेंट कैथेटर डायलिसिस के अंदर ये क्या चीज़ है? परमानेंट अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब ये है कि मुस्तकिल, और एक अगर ये परमानेंट है जाहिर है कोई टेम्प्रेरी भी होगा। तो टेम्प्रेरी डबल ह्यूमन कैथेटर की मैं बात अलग करूँगा इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में। अभी मैं तीसरी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ डायलिसिस शुरू करने में, हीमोडायलिसिस शुरू करने में। पहला तरीकाकार था फिशुला, दूसरा था ग्राफ्ट, और तीसरा है परमानेंट डबल ह्यूमन कैथेटर। परमानेंट डबल ह्यूमन कैथेटर का दूसरा नाम टनल डबल ह्यूमन कैथेटर। टनल क्या है? जो टनल जैसे पहाड़ों के दरमियान में बनी होती है, एक साइड से दूसरे साइड पर जा रही होती है, ऊपर से ओपन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये कैथेटर स्किन के नीचे से टनल करके बनाया जाता है और फिर खून की नाली में जाता है। ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें यहीं पे खून की नाली की एंट्री हो और यहीं से स्किन से जा रहे हों, तो स्किन से ले कर खून की नाली का डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा सा। अब इसमें जरासीम के अंदर जाने का चांस ज़्यादा होता, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि खून की नाली यहाँ से अंदर प्रिक हो रही है लेकिन स्किन वाली एंट्री यहाँ से और बाकी टनल करके स्किन के नीचे से बनाई जाए, तो इसको टनल कैथेटर कहते हैं। और इसमें यहाँ से जरासीम का इधर तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी इन्फेक्ट हो सकता है अगर वो जो सी खून के साथ कोई जरासीम अंदर चले जाए। लेकिन ख्याल रखा जाए और डालते हुए भी और इस्तेमाल करते हुए, तो उस सूरत के अंदर ये परमानेंट डबल ह्यूमन कैथेटर कई कई साल तक चल सकते हैं और चलते भी हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देना मकसद है। इसके भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी इंडिकेशंस हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जिक्र करूँगा। इंडिकेशन इसकी ये है कि अगर किसी का फिशुला या ग्राफ्ट नहीं बन सकता किसी भी वजह से, चाहे उसकी खून की नालियां कमज़ोर हैं या उसका दिल इतना कमज़ोर है कि अगर फिशुला बनाया या ग्राफ्ट बनाया तो उससे वो और कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उस सूरत के अंदर कमज़ोर दिल वाले लोगों को या फिशुला ग्राफ्ट के फेलियर के बाद परमानेंट कैथेटर डाला जाता। इसमें इन्फेक्शन को मलहूज़ खातर रखना होता है, इन्फेक्शन से बचने की हत्तुलवसा कोशिश करनी होती है, साफ़ माहौल में डालना होता है। ज़्यादातर पाकिस्तान में हमें एंटीबायोटिक कवर उसमें देना पड़ता, ना चाहते हुए भी कई दफ़ा देना पड़ता सिचुएशन के मुताबिक। फिर ये अमूमी तौर पे एक दिन के लिए दाखिल हुआ जाता है और चंद ही घंटे के बाद आप घर चले जाते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा बहुत लंबे अरसे तक एडमिशन नहीं रिक्वायर्ड होता, लेकिन बाज़ कात अगर फ़र्ज़ करें जिस जगह टनल बनाई हो वहाँ से ऊज आ रहा हो या ब्लड थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा सिरक रहा है और पट्टी जो सी है वो थोड़ी सी गीली हो रही है, तो उस सूरत में थोड़ी देर के लिए या ओवरनाइट स्टे हॉस्पिटल में करना पड़ सकता। प्रोसीजर जो सा है इसका वो सिंपल है कि लेटना है सीधा और अमूमी तौर पर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर लोकेशन दी जाती है, फिर एक लोकल लगाया जाता है, लोकल एनेस्थीजिया यानी एक टीका लगाया जाता है जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है और फिर वहाँ से उसको प्रिक किया जाता। ब्लड वाली जगह और इधर दोनों जगह लोकल एनेस्थीजिया लगा के उसे सुन कर दिया जाता है ताकि तकलीफ़ ना हो, और उसके बाद अमूमी तौर पे तकलीफ़ नहीं होती, और अगर हो तो दोबारा थोड़ा सा लोकल एनेस्थीजिया दे के उस तकलीफ़ को ख़त्म किया जाता। कोई बेहोशी, वेंटिलेटर, जनरल एनेस्थीजिया वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। इसी तरह ग्राफ्ट और जो मैंने फिशुला की बात की उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें भी जनरली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और बग़ैर किसी बेहोशी के आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इसके अंदर से खून रिस सकता है टनल, क्योंकि काफ़ी लंबी की जाती है, उसको कम रखने के लिए कुछ हम टेक्निकल स्टेप्स लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुर्दे के मरीज़ों के अंदर खून के अंदर जमने की कैपेसिटी कई दफ़ा कमज़ोर हो जाती और उसके साथ फिर हमें इसका ख्याल रखना पड़ता। इसके बाद इसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक कवर वाला एक लॉक इसमें इस्तेमाल करना होता है, यानी एक टीका होता है जो डायलिसिस के बाद इसके अंदर डालना, जिससे इसके अंदर अगर जरासीम हों भी तो वो मर जाए। अगर वो साफ़ रहेगा अगले डायलिसिस तक तो ही ये सिलसिला बार बार जारी रहेगा।
बाज़कत लोकल जगह पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसे डील करने की ज़रूरत है, और लोकल जगह पे अगर इन्फेक्शन बहुत ही माइन्यूट है तो कोशिश की जाती है कि पाम का कैथ बचा लिया जाए, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा तो उस सूरत में इस कैथेटर को रिमूव भी करना पड़ता है। कैथेटर को रिमूव करना थोड़ा टेक्निकल है और उसके लिए भी थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना पड़ता। फिर इसके बाद इसकी कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि इसकी जो एंगल है उससे प्रॉब्लम होता है और जो सा डायलिसिस में फ़्लो है वो कम होता। अमूमी तौर पे डालते हुए अगर ख़ास एंगल का ख्याल रखा जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़कात वक़्त के साथ साथ कैथेटर का मटेरियल अगर ऐसा हो तो उसके एंगल में कुछ फ़र्क आ जाता और फ़्लो कम हो जाता। उस सूरत में भी फिर इसे रिमूव भी करना पड़ सकता है, रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, यानी कि ओवर द गाइड वायर ही चेंज कर दिया जाए। लेकिन ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि स्किन के नीचे एक बीड होती है जो जम चुकी होती है और वो बाहर से किसी जरासीम को आगे नहीं जाने दे रही होती। वो बहुत हफाजती रोल प्ले करती है, लेकिन जब इस कैथेटर को निकालना हो तो उसके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उसका बड़े ख्याल से उसे रिमूव करना पड़ता है। परमानेंट कैथेटर के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या सवाल आते हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।